देख लेंगे भाई लोग कैसे निकाल ले बाइक को, ये तो बहुत रिस्की होता है। तो यार गाड़ी पूरी फंस चुकी है और मैंने तो बड़ी उसकी स्कूटी। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में मतलब इस बार तो बहुत ज्यादा रस है, काफी लोग आ रखे हैं। सुनो केदार बाबा की जय। दोस्तों देख रहे होंगे अब बेजुबान जानवर के हाथ पे टूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जितना कचरे का वीडियो से दुगने वेट के लोग बैठे हैं, तो कैसे आया कैसे होगा। आपको ना यहाँ पर ना खाने की सारी व्यवस्था मिलेगी, हर स्पॉट पॉइंट पर आपको खाने की हर व्यवस्था मिलेगी। केदारनाथ जी की चढ़ाई में फर्स्ट टाइम हम इतने बार स्टॉप कर रहे हैं, नहीं तो हम अप्रोक्स 3.5 घंटे में पहुँच जाते थे और आज हम सबसे लेट कर रहे हैं यार। और इस बार सुविधाएँ काफ़ी अच्छी करी है, हर जगह सुलभ शौचालय है, खाने की सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी बारिश होती है, धुंध देखो काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी भयंकर मतलब कम से कम 6-7 फुट की बर्फ़ पड़ी है पूरी। अभी कपाट खुले नहीं हैं और भक्तों की लाइन लग चुकी है, लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी है देखो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी के ब्लॉग की शुरुआत हो रही कर रहा था, हम यहाँ पर फंस गए थे, एक छोटी सी लोकेशन है यहाँ पर देख सकते हो रोड कैसी हो चुकी है, तो पूरा पहाड़ नीचे आ चुका था, तो हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे स्कूटी हम हवा मतलब पकड़ पकड़ के 5-6 लड़के ऐसे करके जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी बारिश होते बारिश रुक चुकी है। अभी देख लेंगे भाई लोग कैसे निकाल ले बाइक को, ये तो बहुत रिस्की होता है गाइस, देख सकते हो आप। और एक भाई लोग वहाँ निकाल के चले गए, तो गाइस हम भी कोशिश करते हैं बस स्कूटी लेके चलते हैं, स्कूटी तो बहुत ज़्यादा टफ होगी। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो है ये डैम का पानी है नीचे, और अभी बारिश होती है, जस्ट अभी बारिश रुक रखी है, भाई लोग बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। और एक बंदा ऐसे नीचे गिर चुका था तो उसको उठाया गया, तो अभी हम भी जा रहे हैं, मैं भी स्कूटी लेके आ रहा हूँ, देखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और जल्दी मंदिर भी पहुँचना है, तो हम भी कोशिश करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या इसकी चलता है, उड़े थे भयंकर, तो चल रहा हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो यार ये गाड़ी पूरी फंस चुकी है और मैंने तो बड़ी उसकी स्कूटी निकाल दी है, ये बाइक आ रही है, भाई लोग लेके आ रहे हैं, तो कंडीशन बहुत टफ चल रही है, लेके आऊं। ये देख सकते हो दोस्तों इस बार की जो यात्रा है थोड़ी कठिन है, क्योंकि रोड बहुत खराब हो रही है। तो हम पहुंच गए केदारनाथ। देखो दोस्तों पैदल की क्या हालत हो चुकी है, और देखिए आप इतनी गंदी रोड हो रखी है, इस बार बहुत टफ हो रखा है। तो दोस्तों जब भी आओ ना तो बी केयरफुली आओ और अच्छे से आओ, क्योंकि रोड बहुत गंदे हो रखे हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी बारिश का मौसम भी है, बारिश भी हो रही है। तो अभी तो हम बड़ी मुश्किल से हैं, राजा भाई भी पैर धो रहे हैं अपने, देखो राजा भाई कैसा था रोड भाई। हम तो बहुत रिस्क लेके आए हैं, क्यों सद्दू? हाँ बढ़िया बढ़िया, हम तो बहुत रिस्क लेके आए हैं पूरी रात भर, मतलब हम पता है रात के यदि कल के 6 बजे से अभी तक लगातार लगे, 1-2 घंटा रेस्ट किया था क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई थी, तो जैसे उजाला हुआ तो रोड तो खुली नहीं थी, तो हम जबरदस्ती ऐसे आगे बैठ के, तो अब हम आगे को यात्री के लिए बड़े खर्चा सब चलने शुरू हो चुके हैं, आप देख लेंगे। तो अब यात्रा स्टार्ट होने वाली हो गई है, मतलब कल से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी के सारे घोड़े खर्चा जाने लग गए। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में मतलब इस बार तो बहुत ज़्यादा रस है, काफ़ी लोग आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी पार्किंग है पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है, और हमने भी यही साइड में कई ऐसी गाड़ी लगाई है स्कूटी यहाँ पे साइड में, और पूरी पार्किंग फुल है, इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड है। आज ही मतलब आज ही डोली ऊपर जा रही है और कपाट कल खुल रहे हैं, लेकिन क्राउड देखोगे आप बहुत ज़्यादा है, पूरी जितनी पार्किंग है सारी फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी सारी पार्किंग फुल है, ये देख सकते हो दोस्तों, जहाँ देखो हर जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखेंगी, इतनी ज़्यादा मतलब जितने कम जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा है गाड़ियाँ पार्किंग भी, आज बहुत ज़्यादा फुल पार्किंग, आज तो बहुत ज़्यादा रस है यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है गाड़ी, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऐसी फुल हो गई हमारे अंदर तो। आज तो मतलब सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लोग और हाँ 2-3 दिन से पहले आ करके रुके, पुलिस की गाड़ी जाइए, फोर्स पूरी आई रखी, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, पिछले बार इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था जितना आज है। तो हम भी निकल रहे हैं अब यहाँ से सोनप्रयाग से निकलेंगे हम गौरीकुंड की ओर, और गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो अभी निकलते हैं, हाँ ये ऊपर है वहाँ का
त्रिजोगी नारायण मंदिर का रास्ता है जो ऊपर वाला जा रहा है। तो अभी हम निकलते हैं पहले सोनप्रयाग की मार्केट, सोनप्रयाग की मार्केट से हम निकलेंगे सीधे गौरीकुंड की ओर। तो दोस्तों आगे लगी है काफ़ी बड़ी लाइन, कम से कम 1 किलोमीटर की, और इसमें हमको 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा टाइम। हाँ क्या कह रहे हैं, फिर कार्ड मारने की तो व्यवस्था नहीं है, कार्ड नहीं मारी जाएगी तो कार्ड मारने का तो है नहीं, तो हमको लाइन पर लगना पड़ेगा। नहीं होता, मैंने पूरा देखा भाई पहले भी, बहुत बड़ी लाइन है। नीचे क्या कहते हैं सोनप्रयाग से आगे पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम शॉर्टकट मार के आए हैं, शॉर्टकट मार के ऊपर आए हैं। तो ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर से तो शॉर्टकट मार के ऊपर आए हैं, तो यहाँ से हमारी पूरी मतलब हम 12 लोग हो चुके हैं। तो देखते हैं कोई गाड़ी आएगी उसको हम रोकेंगे और उसमें बैठ के जाएंगे आगे की ओर गौरीकुंड। तो भाई लोगों से मैंने बात करती है, भाई लोग भी बहुत सारे ग्रुप बन गया देखो, तो बस सीधे निकलेंगे हम गौरीकुंड की ओर। केदार बाबा की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में देख सकते हो भक्तों का तांता लगा पड़ा है, सारे भक्त जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। और अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी सीढ़ियाँ, तो पहले हम सोचते हैं कि गर्म कुंड में जाएं नीचे थोड़ा सा स्नान करके फिर आगे को बढ़ेंगे। बाकी टीम को सब लोग आ रहे हैं। हाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन होगी भाई, अरे भाई करवाना। तो यहाँ पूरा रजिस्ट्रेशन जो भी जैसे ना घोड़े खच्चर ले आते हैं या पाल के ले आते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पर। दोस्तों देख रहे होंगे अब बेजुबान जानवर के हाथ पर टूटने शुरू हो गए हैं यार। कभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यात्रा में आते हो तो खुद के पैरों से चलो, ये बेजुबान बच्चों के ऊपर बैठ के अपना पूरा भार लाद के मंदिर के दर्शन करके भगवान खुश नहीं होते हैं। तो देख लूँगी आप इतने बड़े बड़े देखो ये इसके, और अभी बेजवान बच्चों के ऊपर चढ़ के जा रहे अपना पूरा भार लेके, फिर बेजवान बच्चों की अब हालत हो गई है टाइट। क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे लगता है कि आज केदारनाथ में रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत यात्री आ रहे हैं, और कपाट कल खुलने हैं क्योंकि यात्री का रास्ते ही बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, और अभी से थकान शुरू होने लग गई है, गर्मी हो रही है, जैकेट उतारते फटाफट से फिर चलेंगे। एक तो आज तो ज़्यादा लंगर भी लेगा, लंगर भी नहीं मिला तो खाली पेट है। नहीं मिला सामने, खाए नहीं, नहीं मिला भाई, लंगर कहाँ मिला है, मिला उससे नीचे भी और था भंडारा, यहाँ कह रहा हूँ हमारे कहाँ पे गौरीकुंड में जैसे पिछली बार था, पूरी उड़ी सब था, वो नीचे खत्म नहीं हो गया, डोली चली गया, पूछ किसी बात की भंडारा फिर नीचे था। अच्छा डोली थी उस टाइम, पिछली बार थोड़ा तब भंडारा नहीं हुआ। अच्छा तो भंडारा डोली तक ही रहता है, तो भंडारा 11-12 बजे तक भंडारा करेंगे, हो गया 4 साल का राशन खत्म हो जाएगा। हाँ वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा है, ये तो कराता है वो डोली वाले कराते हैं, मतलब मंदिर वाले कराते हैं, वो डोली वाले कराते हैं, तो अभी तो लिमिटेड जब तक डोली नहीं जाती तब तक करवाते हैं। तो देखते हैं फिर आगे देखेंगे रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाने का हल्का फुल्का, बाकी एक चाय पराठा हमारे नाश्ते में कर रहे हैं। 2 किलोमीटर की चढ़ाई हुई नहीं है, अभी तो थकान लगने लगी सबको, सब थक चुके हैं और धूप बहुत भयंकर हो रही है, पसीना भी हो रहा है बॉडी में, और फिर भी चल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झरने मिलेंगे आपको, जैसे एक झरना है यहाँ पे छोटा सा, और आज फिर भी रास्ता थोड़ा साफ है, 4:30 तक 1-2 दिन के बाद ही रास्ता पूरा कीचड़ की तरह लगने लग जाता है यहाँ पे। और जो पाइपलाइन दी है जो देख रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी दी है, सेफ्टी के लिए तो ये पहले की तरह, इसमें कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, पहले की तरह है, कुछ नया दिख नहीं रहा है, लेकिन सफाई नहीं ठीक है, सफाई तो अभी दिक्कत आ रही है, सफाई तो 4-5 दिन बाद दिखेगी यहाँ पर बेहतरीन वाली। तो मैं शुक्र माना तुम्हें, तुम चल रहे अच्छे से, वरना तुम्हें खच्चर के अलावा कुछ निकले। हाँ उसके बाद भी खच्चर के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो रोड में अभी घूम रहे थे जहाँ पे हम जाम फंसे कितनी बार। अब यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के झरने दिखेंगे, नेचुरल झरने, देखो क्या ब्यूटीफुल झरना है।
जाओ दादा पानी भर के आओ, ये रख रहा हूँ बस पानी नहीं। देख लो आपकी तबीयत चढ़ने की हालत नहीं है, हाँ चढ़ नहीं पाएंगे यार, आगे वाले में बैठेंगे। तो मैं बैठेंगे सोचे थे, तो हम सोचे कि आगे बैठेंगे, इसके बाद आगे पानी भर देंगे, भर देंगे। यह पानी इसमें भर सकता है, चलो शांति इसको पढ़ा। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे वाले झरने पे बैठेंगे। यह झरना छोटा है, ये पोखरा जाऊंगा तूफानी बाजी में। हेलो भैया, क्या हाल है? डैमेज हो गया था, भाई लोग भी आ रखे हैं तो साइकिल में आ रखे भाई। ओह माय गॉड, देखो भैया को आस्था से बोलते हैं यार, कोई कैसे बहुत से भगत लोग आ रखे बाबा के दार के धाम। और हमारी आस्था, हमारे तो कल से नहीं सोए और लगातार भगाए जा रहे हैं। हम भी कल से लगातार भागे जा रहे हैं, मैं तो सोए ही नहीं है। भगवान ने कहा कहा मेरे ऊपर का 6 बजे से लेके केदार बाबा ने कहा कहा रोका हमें, पर ठीक है, पर सब जो रास्ता दिखा दिया, हमें रास्ता दिखा दिया। लेकिन आपको ब्लॉग में दिखेगा पूरा, मतलब फुल डिटेल वाले रास्ता जो टपाया हमने, हाँ सब जगह से। भीमबाड़ा आ गया, भीमबाड़ा भी आ इतर ले आगे भीमबाड़ा। तो देख लूँगी जितना कचरे का वीडियो से दुगने वेट के लोग बैठे हैं, तो कैसे यार कैसे होगा। देख सकते हो आप यार, बेजुबान जानवर की कैसी हत्या हो रही है। इसे कहते हैं मेहनत का पैसा, ये मेहनत करके कमा रहे हैं। ये है मेहनत का पैसा भाई साहब, ये आपका भाई है बोला पोखरा, कहाँ नहीं मेरी पोखरा भाई, ये रहा है पोखरा भाई, मिली से भाई कहाँ की पोखरा पहुँच गई। भाई को लेके आए हम पोखरा से ढूंढ के, तो असली मेहनत जो है भाई लोग कर रहे हैं। आपको ना यहाँ पर ना खाने की सारी व्यवस्था मिलेगी, हर स्पॉट पॉइंट पर आपको खाने की हर व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि जगह जगह पर छोटे छोटे दुकान से बनाए हैं, जिसमें आपको आपको मैगी हो गया, दाल चावल हो गया, परौठा हो गया, तो सब कुछ मिल सकता है। कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, लेकिन दुगने रेट पर मिलता है, ये हमेशा याद रखना। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना रेट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 15 रुपये की लस्सी होगी तो 30 की मिलेगी, और परौठा 70 रुपीज़ का मिलेगा। सद्दू भाई को देख के लग रहा है कि सद्दू भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और चला नहीं जा रहा है। अंकुर भाई तो ढीले हो गए पूरे, अंकुर भाई फिर भी चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये है कि जब इतनी दूर आए हैं तो सही बात है। एक्चुअल में क्या है ना, बताया मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है यार, क्योंकि ना अपने बच्चे को लेके, मेरा छोटा सा बच्चा बेचारे को काट दिया मेरे डॉग, बहुत मूड ऑफ है। लेकिन फिर मन को मारते चल रहा हूँ, ब्लॉग बनाओ, मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। अब आएगी थोड़ी देर में खड़ी चढ़ाई, मेन मलिक से पार होकर आप देखना, बहुत खड़ी चढ़ाई है, राम बड़ा वाली टॉप सीधे लग रहा है, अभी तो उनको पता नहीं है। अब आएगा मजा, हाँ क्या खड़ी जगह में चलते हैं। अच्छा बोलने में तो आसान लग रहा है, आपका 1 किलोमीटर में। अच्छा सर ठीक है, भाई देखते हैं कैसी खड़ी चढ़ाई मारते हो आप, देखते हैं। ठीक है सत्य भाई, इस बार 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी कर रखी हैं। एक तो कूड़े रखने के लिए कूड़ादान बना रखा अच्छा खासा, और सोलर लाइट सब जगह लगा रखी है, तो 2-3 अच्छी व्यवस्था, क्योंकि पिछले बार जब आए थे ना सोलर लाइट नहीं थी, तो रात को बहुत अंधेरा हो चुका था, क्योंकि कभी कभी लाइट चले जाती है। तो इस बार सोलर लाइट की व्यवस्था कर रखी है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर, और जैसे टॉयलेट की भी व्यवस्था है। बाकी हेलीकॉप्टर चलने शुरू हो चुके हैं चॉपर, और भैया लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान, अभी 6 महीने तक लगी रहेगी। अंकल क्या बोल रहे कि बत लगाओ, परमिशन लो कह रहे अंकल। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पर्यटक लोग, मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नेचर को मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे देख लोगे काफ़ी लोग हैं, बिल्कुल मजे रहे, और ये पुल इतनी प्यारी है, हिलती है, छोटे खड़े लोगों के इसमें, मतलब ये रामवाड़ा है, और यहाँ पे पुल जो है बहुत हैंगर से, देखो बैलेंसिंग बनाना पड़ता है थोड़ा। बाकी देखो यहाँ पे काफ़ी लोग, ये मंदाकिनी रिवर है, इसमें लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, नेचर के मज़े ले रहे हैं, सुकून पीस जो यहाँ पर मिलती है उसको ले रहे हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है इस बार, ऐसा लग रहा ना कि क्या कहते हैं यात्रा को 10 से 15 दिन हो गए ना, जिस हिसाब से भीड़ है। अभी मंदिर के 10 कपाट भी नहीं खुले हैं और क्राउड इतना ज़्यादा है। बाकी देख सकते हो आप ब्यूटीफुल नज़ारे।
थोड़ा ना पैरों में दर्द हो गई है, तो थोड़ी थकान भी लग गई है, थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो हम यहाँ रामबाड़ा के नीचे पे बैठे हैं और अब यहाँ से है सबसे मेन हाइकिंग, यहीं से है जो चढ़ाई है, जहाँ से खड़ी चढ़ाई है अब यहीं से चढ़ना है। वो पूरी खड़ी चढ़ाई है, हमको बहुत ऊपर जाना है, उससे भी ऊपर है छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, तो फिर बेस कैंप आएगा। तो अभी बहुत लंबा अभी सफ़र है, सफर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 10% सफ़र रुक है। सद्दू भाई बैठे, हमारे भाई बैठे हैं। केदारनाथ जी की चढ़ाई में फर्स्ट टाइम हम इतने बार स्टॉप कर रहे हैं, नहीं तो हम अप्रोक्स 3.5 घंटे में पहुँच जाते थे, और आज हम सबसे लेट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस भी है। खब्बा सब राजा भाई, आज लेट नहीं हो रही हमें, खब्बा सब है ना हमारे साथ। और अभी हम चने खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, सद्दू भाई भी है, एक खब्बा है, एक सब अंकुर भाई हैं। खब्बा सद्दू, सद्दू लेके सद्दू को मारना पड़ेगा। सद्दू अच्छे चल रहा है काफ़ी, इसको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज हमने बहुत बहुत मतलब रुक रुक के चल रहे हैं, हालत इतनी डाउन हो चुकी है क्योंकि ना स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ना काम भी ज़्यादा लग चुकी है, फुल नाइट भागा दौड़ी करके, और रेस्ट भी नहीं किया हमने थोड़ा सा भी, इसलिए भी कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो इतनी यंगेस्ट लड़कियाँ जो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अभी खच्चर के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं दर्शन करने, तो इनको बाबा से ये बाबा खुश थोड़ना होंगे इनको देख के, ये तो बहुत गलत बात है, ये बाबा जी के दर्शन, ये तो मेहनत है, ऐसे कह सकते हैं। ये देखो मेहनत कैसे जा रहे हैं भाई लोग, आप देखो ना भाई, ठीक है आप पालकी में बैठ के जाओ, लेकिन बेजवान बच्चों के ऊपर बैठ के मत जाओ, क्योंकि भगवान ने आप लोग को भी पैर दिए हैं जलने के लिए, तो अपने पैर का प्रयोग करो, बेजवान बच्चों के पैर के प्रयोग करके आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान और नाराज होंगे। जवान आदमी भी, जवान आदमी, ये तो बहुत बुढ़े लोग जो नहीं चल पाते उनके लिए ये व्यवस्था, लेकिन मतलब बुढ़े चल जाते हैं लेकिन यंगस्टर नहीं चलते आज कल डेट में, ये हो गया। ये लोग देखो भाई, तो महादेव भी बन के आ रखे हैं केदार के धाम दर्शन करने। Right. 10 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब दिखने लग गया है स्नो, और ये काफी बेहतरीन पड़ी है, ऊपर से स्नो पड़ी है पूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है दाना, 6 किलोमीटर बेस कैंप 4.5, छानी कैंप 0.2, बड़े लिंचोली 1 किलोमीटर। तो अभी हम बड़े लिंचोली पहुंचने वाले हैं, वहाँ भक्त लोग बहुत काफ़ी क्राउड भक्तों का आ रहा है, कितने लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, नाश्ता कर रहे हैं, हमने तो नाश्ता भी नहीं करा आज क्योंकि सोचा था आगे करेंगे, आगे हो नहीं पाया, और अभी तक किया ही नहीं कुछ, स्नैक्स में चल रहे हैं अभी तक, पानी और स्नैक्स। बाकी देख सकते हो यार, मैं तो हालत भी नहीं होती बोलने की, आज इतनी हालत डाउन हो गई है फर्स्ट टाइम। ये चेक करो दोस्तों, तो ना यहाँ पर मतलब स्वर्ग कहते हैं ना कि स्वर्ग मतलब केदारनाथ पहुँचने में स्वर्ग दिखता है, तो यही है स्वर्ग। देखो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, और हर जगह सुनो देखो कितनी प्यारी बर्फ है कहाँ से कहाँ तक, तो और वेदर भी बहुत अच्छा है, और एयर भी बहुत मतलब प्योर एयर चल रही है, तो रेस्पिरेशन भी काफ़ी बेस्ट है यहाँ पर लंग्स के लिए, और लंग्स कम हो जाते हैं पूरी बॉडी मतलब अपनी रिकवर्ड हो जाती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और इस बार सुविधाएँ काफ़ी अच्छी करी है, हर जगह सुलभ शौचालय है, खाने की सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो हर मोड़ों पर आपको खाने का सब कुछ संसाधन मिल जाएगा, मैगी चावल रोटी सब्जी और कोल्ड ड्रिंक हो गया, रेडबुल हो गया, जो भी आपको चाहिए। बाकी देख लेंगे आप, यात्रीगण चलते रहते लगातार, और सामान भी जा रहा है क्योंकि आज ही ओपन हो रखा है, तो अभी काफ़ी सामान ऊपर को जा रहा है, और खाने की आज बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, तो अभी रास्ते पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि ना ये अपना नहीं लेके आया राजा, अपना रेनकोट नहीं लेके आया, सुधानंद भी लेके आया अपना रेनकोट, तो अब हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। सारी परीक्षा ले ली अभी हम रास्ते में, भगवान हमारी सारी परीक्षा ले रहे हैं अभी, हम सब लोग आएंगे, बारिश भी रुक जाएगी थोड़ी देर में, तो यहाँ पर सब लोग यात्रीगण रुक चुके हैं, तो थोड़ी देर में आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा हम भी वेट कर रहे हैं आराम से। तो कभी भी आप लोग यात्रा करें तो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, शूज हो गया, और सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, मफलर हो गया, और कैप हो गई या टोपी हो गई, और वार्मर हो गया, गर्म कपड़े सब कुछ लेके आए, क्योंकि यहाँ कभी मौसम बदल सकता है, कुछ पता नहीं चलता है कि मौसम का, एकदम से आपका मौसम कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी अभी बारिश हुई थी, अब धुंध देखो काफ़ी तेज़ हो गई है, अब थोड़ी देर में स्नोफॉल हो सकती है, कैसे कहता है तो कुछ दिख नहीं रहा है नीचे से ना ऊपर तक का, और ठंडा बहुत होने लग गया है। तो मैं तो कपड़े लेके आया हूँ थोड़े बहुत ठंडे से बचने के लिए, और बाकी अभी हमको ट्रैक करना है 5 किलोमीटर, काफ़ी चलने के बाद अभी केदारनाथ 4 किलोमीटर और है, बेस को 2.5 किलोमीटर, फैला के धेरा 2 किलोमीटर, अभी काफ़ी है लग रहा है 4 किलोमीटर, लेकिन बहुत ज़्यादा है 4 किलोमीटर। यहाँ पर काफ़ी भयंकर, मतलब कम से कम 6-7 फुट की बर्फ़ पड़ी है पूरी, और पूरे बर्फीले पहाड़ आपको देख रहे होंगे, स्नो पूरी अच्छी खासी पड़ी है, पिछले साल भी पड़ी थी जब मैं आया था उस टाइम भी पड़ी थी, उस टाइम भी पड़ी है, इस बार थोड़ा ज़्यादा पड़ी थी, इस बार थोड़ा कम है। यहाँ पे घोड़े स्टैंड है तो काफ़ी घोड़े रहते हैं यहाँ पे, अभी आ रहे हैं नीचे से भी, और देख सकते हो आप क्राउड कितना, और फाइनली हम मंदिर पहुँचने वाले हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम। मौसम ने भी हमको काफ़ी साथ दिया, बीच बीच में बारिश हो रही थी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मौसम साफ हो रहा था, फिर बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया, महादेव ने भी साथ दिया, तो महादेव के साथ से हम पहुँच ही गए। एक बार तो उम्मीद हमारी ऐसी उग गई थी कि यार पहुँचते ही पहुँचते, और फाइनली यार मतलब भरोसा है ना महादेव पर, तो हम पहुँच ही गए। यहाँ से अप्रॉक्स 1 ही किलोमीटर है जो हमने चलना आगे। अभी हम पहुँच चुके हैं बेस कैंप, तो कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हो रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेंट मिल जाते हैं ईजिली, और थोड़ा रीजनेबल रेट पर मिलते हैं, तो कभी भी आओ बेस कैंप रुक सकते हो, यहाँ पर टेंट ले सकते हो, और आगे भी आगे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, वहाँ के प्राइस दोगुने हो जाते हैं। यहाँ से हमें फाइनली यहाँ से बाबा जी के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं, मतलब जो हमारी जहाँ हमें पहुँचना था, जो हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट था, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और 10 मिनट में, और दूर से देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो सामने है बाबा जी, बाबा केदार, तो हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था वहां हम पहुंच चुके हैं, यह है सामने बाबा केदार जी का मंदिर, कितना अच्छा सज रखा है, महादेव जटाधारी बाबा जय श्री केदार, आप सभी पर रक्षा करें केदार बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अब तो थकानी लग रही होगी, थकान लग रही है आपको? बाबा के दरबार पहुँचने के बाद सारी थकान मिट जाती है, ये हकीकत है। सद्दू कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना? यह बाबा केदारनाथ जी का मंदिर देखो, फूलों से सजा है बाबा का दरबार, आप सभी पर कृपा बना रखे बाबा केदार, जय श्री केदार। अभी कपाट खुले नहीं हैं और भक्तों की लाइन लग चुकी है, लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी है, देखो काफ़ी आगे तक लाइन लग चुकी है, तो अभी से भक्त लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए लग चुके हैं, और हम भी सोच रहे हैं कि हम भी लग जाते हैं अभी से लाइन पर, क्योंकि अगर हम अभी लाइन पर लगेंगे तो हमें सही दर्शन मिल जाएंगे बाबा जी के, क्योंकि सवेरे पर दर्शन नहीं होते, भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, भक्तों के प्रसाद लेके अपना लाइन पर बैठ चुके हैं। बाकी आप देख रहे होंगे चारों तरफ बर्फी बर्फ है, बर्फ की चादर से ढका पहाड़, और बीच में महादेव का मंदिर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, काफ़ी भक्त आ रखे हैं और काफ़ी भक्त आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई भैरवनाथ मंदिर के बाद घूमने गया है। तो अभी बाबा जी के दर्शन करने के बाद अभी हम कर रहे हैं रूम की व्यवस्था, क्योंकि अभी हमें रूम मिला नहीं है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आ रखे हैं भगवान के दर्शन करने, तो अभी हम देख रहे हैं रूम कहीं रूम मिल जाए तो हम रहने की रह लेंगे वहाँ पे, तो अभी देखने जा रहे हैं एक जगह जहाँ पहले रहते वही देखने जा रहा है कि वहाँ हो जाए तो गुड एंड वेल है, तो अभी हमारे हाथ पैर भी दर्द ज़्यादा हो गया, क्योंकि 24 आवर्स हम सोए ही नहीं हैं, 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया अब तो हमें, 48 आवर्स हो गए हैं, और हम बहुत ज़्यादा भागा दौड़े में थे, तो अब हम देखते हैं कहीं पर रहने की कुछ व्यवस्था हो जाती है, तो उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर रात के 2 बजे जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। तो अभी हम बाबा जी के आश्रम में आ रखे और हमने खाना खा लिया, यहाँ पर लंगर लगा था काफ़ी अच्छा, सामने देख सकते हो, और अभी रूम की व्यवस्था हो नहीं पा रही यहाँ पर, तो अब देख रहे हैं हम थोड़ा टेंट की व्यवस्था, कहीं टेंट मिल जाते तो फिर रहते, क्योंकि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है, तो टेंट की व्यवस्था करते हैं अगर हो जाती कहीं पर, तो अब हम जा रहे हैं सब लोग देखने, अंधेरा भी हो गया है, तो फाइनली दोस्तों
करते हैं आज का ब्लॉग बाबा केदारनाथ जी के धाम से क्लोज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाबा केदार जी की कृपा आप सभी बने रहे। हर हर महादेव। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री केदार।